हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं अक्षय कुमार का आउटलाइन ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। आपको बताऊँगा कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये है उसका रेफरेंस फ़ोटो, और इसके लिए जो मटेरियल यूज होगा फ्रेंड्स, मैं करूँगा ये आइवरी पेपर। आइवरी पेपर को यूज करूँगा मैं, और उसके बाद आप एक स्केल ले लें और फिर पेंसिल ले लें। आप कोई सा भी पेंसिल ले सकते हो फ्रेंड्स, और फिर इरेजर ले लो। तो चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसे ग्रिड मेथड से मैं करना बताऊंगा, तो इसे ग्रिड में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ड्राइंग ग्रिड ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, और फिर फाइल में जाते रेफरेंस फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी रेफरेंस फ़ोटो, तो इसे मैं ब्लैक एंड वाइट में कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, आप स्क्वायर में कर दीजिए ताकि बॉक्स बनाने में आसानी हो, और इसे 4x2 कर लीजिए ताकि 2 या 1 कर लीजिए अपने हिसाब से। और जो नंबर ऑफ रोज रखना है फ्रेंड्स, वो 14 रखिएगा ताकि आपसे पूरे शीट में कवर अप हो जाए। तो 14 कर दिया हूँ, और पतली लाइनें कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, वो पतली लाइनें कर दिया हूँ। इधर से 14 वर्टिकल कॉलम लाइन है, और इधर से हॉरिजॉन्टल 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ। तो आप अगर A4 में बना रहे हो तो इधर से आपको यहाँ 14 और 10 कर लेना है। मैं आउटलाइन बनाता हूँ और आपको बताऊँगा कि आप कितना सेंटीमीटर का बॉक्स बनाएंगे जो आप सब सीट में आ जाए आसानी से। तो मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बता लूँगा। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं ग्रिड ड्रॉ कर लिया हूँ। तो अब बताता हूँ आपको कितना सेंटीमीटर का बॉक्स रखना है। तो ये जो बॉक्स है फ्रेंड्स, स्क्वायर बॉक्स है, ये 2 सेंटीमीटर का है, और जो मैं स्पेस छोड़ा हूँ इस साइड में वो 0.5 सेंटीमीटर आप छोड़ दीजिए। इधर भी छोड़ के बनाइएगा, और इधर भी छूट जाएगा तो वो सेंटर में आ जाएगा, और ऊपर में 1 सेंटीमीटर छोड़ लीजिएगा। ये जो है फ्रेंड्स, ये 2 सेंटीमीटर इतना यहाँ से यहाँ इतना सेंटीमीटर का आप बॉक्स बनाइएगा आसानी से। आप इधर से 14 हॉरिजॉन्टल 10 और वर्टिकल 14 बॉक्स बनाइएगा, आसानी से आपका हो जाएगा। तो चलिए मैं, और जो अब स्केच बनाना है फ्रेंड्स, वो आप अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जितना भी कम्फर्ट हैं उतना जूम कर लीजिए। आप जैसा देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पहले आई बना लीजिए, फिर हेयर बनाइए, या फिर पहले हेयर से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे 1 2 3, और फिर इधर 1 2 1 2 3, और फिर 1 2 यहाँ पे। तो इस बॉक्स में मेरा हेयर आ जाएगा, उससे नीचे भी आप ऑब्जर्वेशन पावर का यूज कीजिए और ड्रॉ करते रहिए, मेरे साथ ही ड्रॉ कीजिए फ्रेंड्स। ये सब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप सब फ्रेंड्स साथ में ड्रॉ कीजिए, और बताइए फ्रेंड्स कमेंट में जिससे आपसे ड्रॉ हो पा रहा है सही से। अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा और इजी वे बताऊँगा जिससे कि आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जैसे देखते रहिए इसमें, फिर से अगर मिस कर जाते हैं तो फिर से यहाँ पे कर लीजिए कितना आप क्या बनाना है। तो 1 2 3 4, फिर 4 बॉक्स में 1 2 3 4 बॉक्स में अब आएगा मेरा हेयर।
देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपसे सामने में सब सारा बना रहा हूँ, तो आपसे छिपा नहीं रहा हूँ, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब ये वन टू इसमें आ जाएगा, ये वन टू आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। चलिए, नहीं इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब ध्यान रखिएगा, सिर्फ बॉक्स उल्टा पुल्टा ना हो जाए, नहीं तो इसमें आ जाएगा काम, उसमें जला चल जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इसीलिए बॉक्स देखिए आप ध्यान से और बनाइए मेरे साथ। चलिए मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ, टाइम लेप्स कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा कि देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं आउटलाइन ड्रॉ कर लिया हूँ, पूरी तरह से परफेक्ट आउटलाइन है, आप देख सकते हो। तो कुछ आपको भी उसी तरह ड्रॉ कर लेना है, मैं थोड़ा फास्ट कर दिया था जिसके कारण से आपको बोर ना हो आप सभी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और मैं बता लेना चाहता हूँ, अगर आप नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि 700 फॉलोअर्स होने ही वाले हैं, तो जब से जल्दी फॉलो कर लीजिए। और कल जो है इस पर सेटिंग ट्यूटोरियल लाऊँगा, तो इसके लिए आप इंतजार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।